देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। इस सर्वे के दौरान सभी शहरों में स्वच्छता का सर्वे किया जा रहा है, लेकिन इसी कड़ी में गुरुग्राम को स्वच्छ बनाने के लिए मुहिम भी शुरू हो गई है, जिसमें खुद विधायक इलाके में जाकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब गुरुग्राम के विधायक ने कमान संभाल ली है। इस मुहिम के तहत गुरुग्राम में तमाम इलाकों में सफाई कराई जाएगी। वहीं इसको लेकर गुरुग्राम के सभी इलाकों में पहले से सर्वे कराया गया है कि कहां गंदगी है, और उसके विधायक ने सभी इलाकों में खुद पहुंचकर लोगों को जागरूक तो करेंगे ही, इसके अलावा वो पौधे लगाकर वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास भी करेंगे। गुरुग्राम के भीमनगर में इस मुहिम की शुरुआत की गई। देखिए, नमा नमा मोर्चा ने पर्यावरण और स्वच्छता संकल्प अभियान शुरू किया है। नमो नमो मोर्चा जो है वो जहाँ कुरूतियों के लिए समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ पे स्वच्छता के नाम पर पर्यावरण के काबले में भी काफ़ी काम कर रहा है। मैंने नमो नमो मोर्चा वालों से एक रिक्वेस्ट करी थी कि आप कुछ मोहल्ले के अंदर, गुरुग्राम के कुछ मोहल्लों के अंदर जो जो समस्याएँ हैं, काइंडली उनको लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएँ नोट करें, उनको ग्रेडिंग दें कि किसकी प्राथमिकता बड़ी है। मान लीजिए कहीं पर सीवरेज की प्राथमिकता है, कहीं पे जल भराव की प्राथमिकता है, कहीं रोड की प्राथमिकता है, कहीं पानी की प्राथमिकता है, इस तरीके से वो प्राथमिकताएं नोट करें उस मोहल्ले की। वहीं विधायक सुधीर सिंगला ने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि गुरुग्राम ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री के स्वयं होते हुए गुरुग्राम में विकास की गति को और ज्यादा तेजी मिलेगी। इसके साथ ही गुरुग्राम जल्द प्रदूषण मुक्त होगा। वहीं गुरुग्राम में मल्टी लेवल पार्किंग, सिविल हॉस्पिटल, सीवरेज व पेयजल की समस्याओं को गुरुग्राम वासियों को निजात मिलेगी। सीए को लेकर भी विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है। इनकी मैंने बोली थी, दो पार्किंग अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुके हैं, जिसमें 1000 कार जो है वो खड़ी हो सकती है। आप जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, पार्किंग का काम शुरू हो गया है। अभी तक 6 एम्बुलेंस, 108 के लिए लोग त्रस्त थे कि जी एम्बुलेंस नहीं है, 108 तो शुरू हो गया है। 6 एम्बुलेंस 2 महीने के अंदर हमने सड़क पर उतार दी है, 5 नई बसेस सड़क पर उतार दी हैं। गार्बेज कलेक्शन के लिए लोगों को तकलीफ थी, 25 गाड़ियां इको ग्रीन पे कह के उन पर दबाव बनाकर 25 गाड़ियां इको ग्रीन की सड़क पर उतार दी हैं। सैनीखेड़ा गांव एक सिलोकरा के पास है, मैं वहां गया था तो वहां पे शिविर की पानी की बड़ी भारी प्रॉब्लम थी। सबसे पहले बनते ही उन्होंने 2 करोड़ रुपए का सैनीखेड़ा का कार्यक्रम वहां पे कार्यक्रम शुरू करा दिया है। गुरुग्राम में लगातार सफाई व्यवस्था को बनाने के लिए लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि गंदगी को साफ किया जाए और गुरुग्राम को साफ सुथरा बनाया जाए। सफाई व्यवस्था को लेकर गुरुग्राम में लगातार सवाल उठता रहा है। वहीं निगम की तरफ से कई बड़ी कंपनियों को भी सफाई का काम दिया गया है, जिसके बाद शहर के कुछ इलाकों में सफाई व्यवस्था में सुधार आया है। लेकिन इसके अलावा लगातार ये भी नगर निगम की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए और वो खुद अपनी जिम्मेदारी समझें, जिससे सफाई व्यवस्था में सकारात्मक पहलू सामने आएंगे। स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण संकल्प, यानी कि हम लोग इस स्वच्छता का एक संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में इसको साफ सफाई अभियान चालू करेंगे। सबसे पहले हमें अपने घर को साफ करना पड़ेगा, घर को साफ करेंगे तो अपने स्ट्रीट को साफ करेंगे, स्ट्रीट को साफ करेंगे तो एरिया को साफ करेंगे। तो इसीलिए अगर हम स्टार्टिंग से अपनी शुरुआत एरिया से करेंगे तो ही हम शहर में जा पाएंगे, तो ही हम भारत में जा पाएंगे। फिलहाल गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था को लेकर कई मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन इस बार विधायक ने खुद पौधे लगवा कर गंदगी को दूर करने का प्रण लिया है। गुलचिन ग्रोवर, टोटल न्यूज़, गुरुग्राम।